मेरा नाम हामिम है। ये जो कॉन्सेप्ट जो अपने सैयद भाई ने जो स्टार्ट किया, इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर एटलीस्ट इन अ वीक, हम तो हमेशा आते हैं इन अ वीक, दो तीन बार तो वैसे भी आ जाते हैं टू जस्ट ट्राई डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पान। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इट्स वेरी लाइक अपीलिंग, इट्स वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ वॉट ड्रैग्स, इवन बड़े लोग भी रहने दो या छोटे बच्चे भी रहने दो, फॉर एवरी वन दिस प्लेस इज़ दैट लाइक दे कैन हैव, और थोड़ा आधा एक घंटा, मतलब थोड़ा टाइम दूर घर से, वी कैन स्पेंड टाइम हेयर एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हम एटलीस्ट हफ्ते में वी मेक श्योर एटलीस्ट एक या दो बार तो आते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। तो आपने यहाँ क्या क्या टेस्ट किया है सर? यहाँ पे ऑलमोस्ट हर पान टेस्ट किया है, बट जो द वन विच इज़ गुड ओवर हियर इज़ जो सैंडल का पान है इनके पास, इट्स वेरी नाइस, इट्स अ मस्ट ट्राई, इट्स वेरी डिफरेंट और बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बच्चों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे देखो बहुत से चीज़ें जो यहाँ पे रखा है, इट्स नॉट फ्रॉम हियर, तो वो बहुत अच्छा है दैट दे कैन ईट जो भी है यहाँ पे, जो नॉर्मली दुकान पे जो नहीं मिलता वो यहाँ पे मिलेगा आपको, जो जनरली हुआ है डिफरेंट है या हेल्दी है। और दीज आर द थिंग्स जो अब्रॉड में जाके हैं लोग, उनको पता है कि ये वहाँ से मिलता है करके, तो वो ईजिली अवेलेबल यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़, जो ये ग्रीन टीज है इनके पास, ये मस्ट ट्राई है, स्पेशली जो लेवेंडर का ग्रीन टी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। वो बिटर टेस्ट नहीं आता जैसा नॉर्मल ग्रीन टी है, वैसा नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी गुड। द बेस्ट वन यू कैन ट्राई हियर इज द लैवेंडर ग्रीन टी, बहुत बेस्ट है यहाँ पे। ओके, सबसे बेहतरीन चीज़ का अगर लुत्फ उठाना चाहें तो कौन सी चीज़ रहेगी?
पान में उठाना चाहेंगे कि चाय में उठाना चाहेंगे? चाय में तो बहुत चाय मिलती है रेगुलरली बैंगलोर में, तो लॉट ऑफ वैराइटीज़, बट हमारी जो है कश्मीर स्पेशलिटी चाय है, एक है कश्मीरी पिंक टी करके और एक है सैफ्रन कहवा। तो उनकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि कश्मीरी टी जो है ये ठंड के टाइम पर ज़्यादा पी जाती है, ठीक है, जो ये इसका जो प्रिपरेशन है ये 4 से 5 घंटे का प्रिपरेशन है, और जो पिंक जो कलर आता है वो चाय के पत्ती से आता है, वो जैसे बनता है उससे आता है, उसमें कोई एडिड कलर्स नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें जो है स्पाइसेस रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो पीने से आदमी को क्या एकदम रिफ्रेशिंग है, फ्रेश है, एंड दैट्स व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दैट पर्टिकुलर टी। इट्स वेरी हेल्थी, एब्सोल्युटली हेल्थी, देयर इज़ नो एडिशन, देयर इज़ नो एडिटिव, इसमें कोई केमिकल बेस्ड कुछ नहीं है, चाय की पत्ती है, दूध है, उसमें ड्राई फ्रूट्स है और स्पाइसेस है, और सैफ्रन कहवा जो है, कहवा तो बहुत सऊदी में बहुत पिए होंगे, बट लोगों को ये नहीं पता कि कहवा जो है इंडिया का भी, कश्मीर में भी कहवा बनता है, जो सऊदी का होता है वो कड़वा कहवा होता है, जो सैफ्रन का कहवा कश्मीर का होता है वो मीठा होता है, वो एकदम जो हम लाते हैं सैफ्रन लाते हैं पामपोर से, जो कश्मीर से है, फिर जो उसमें जो कलर जो आप देख रहे हैं कहवा का, वो सिर्फ ज़ाफ़रान का ही कलर है, उसमें भी कोई कलर एडेड नहीं है, ज़ाफ़रान से ही बनती है वो चाय, और उसमें ड्राई फ्रूट्स आती है, ड्राई फ्रूट में खाली आलमंड्स आते हैं, मतलब बादाम रहते हैं उसमें खाली, एंड दैट्स व्हाट इज़ यूनिक अबाउट ज़ाफ़रान कहवा। एक और चीज़ जी, ये जो पान जो है जो कई सालों से देखा गया है कि हिंदुस्तान के लिए स्पेशली है, राजा महाराजे हो या चाहे नवाब या नवाबजादे हो, उनका एक शौक है, एक सिलसिला चला रहा है। जी जी, हम नवाबों के दौर में लौट तो नहीं सकते, लेकिन इमेजिनेशन में आपने जो तस्वीर बनाई है इसमें जो है इतनी सारी वैराइटीज जो पान की है, इसमें सबसे जो बेहतरीन या माकूल कह सकते हैं अगर टेस्ट करना चाहें तो कौन सा रहेगा? पान जैसा आपने बताया, पान रजवाड़ों की निशानी थी, मुग़ल से चला आ रहा है, बहुत बहुत ज़मानों से चला आ रहा है, बट ऑफ लेट क्या हुआ था, जो पान के जो दुकान थे वो सब छोटे दुकान थे, फिर वहाँ पे चाय है, सिगरेट है, तंबाकू मिल रहा है सब, तो फैमिलीज़, आपने कभी ये देखा नहीं कि फैमिलीज़ ने कभी जाके दुकान में कभी पान लिया हो, कभी देखा नहीं, आप भी कभी गए होंगे तो फैमिली को दूर ही रखा के आप नहीं गए होंगे, राइट? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट, हम ये चेंज लाना चाहते थे कि फैमिलीज़ आके पान खाए, फैमिलीज़ को पता चले, तो फिर हमने जैसा आपने बोला रजवाड़ों से लेके, हमने हमारे पास एक है एक शाही पान है जो एक चॉकलेट लीफ से बनता है, फिर उसके ऊपर पान रहता है, फिर पान के फ्लेवर्स रहते हैं, फिर उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, वो है हमारे पास सादे पान में हमारे पास अबाउट 40-50 फ्लेवर्स हैं, कोटेड रेगुलर, जैसे बच्चों को कैसे खिला जाए पान, कोई पान खाता नहीं बच्चा, पान बाई नेचर थोड़ा कड़वा रहता है, बच्चों को पता पसंद नहीं आता पान, तो हमने उसको चॉकलेट का फ्यूजन में लाया, हमने जैसे आप फेरेरो कोई भी किसी को भी पता है फेरेरो रोशर, न्यूटेला किसी को भी पता है न्यूटेला, एवरीबॉडी नोस इट, रोस्टेड आलमंड सबको पता है, तो हमने इसी को लेके हमने चॉकलेट में पान बना दिया, तो अब जो जब लोग आके खाते हैं तो लुत्फ उठा के खाते हैं उसका, पान के जो हेल्थ के बेनिफिट्स है, पान में कैल्शियम है, आयरन है, व्हाटएवर इज़ गॉड इन पान, वो सब है बेनिफिट्स उसमें, जो हमारा गुलखन है वो आता है कन्नौज से, एंड रोज़ पेटल जो होती है गुलखन की, वो डाइजेशन बहुत अच्छा है, हमारा जो कत्था हम लोग यूज़ करते हैं वो एक्सपेंसिव वाइट कत्था है जो यूनानी मेडिसिन में यूज़ होता है, तो ऐसे हर एक चीज़ हमारे पास जो है, एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिक, एंड हमारा ये जो स्टोर है फेदरटाउन वाला स्टोर, इट्स कम्प्लीटली टोबैको फ्री स्टोर। तो इसके अलावा बैंगलोर में आपके कई ब्रांचेस? अजयनगर में हमारा एक आ रहा है, दिल्ली में 2 आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी हैव अ पैन इंडिया एक्सपेंशन वेरी शॉर्टली। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव माउथ फ्रेशनर्स, जो इंडिया में किसी के पास इतने वेरियंट्स हैं, हमारे पास माउथ फ्रेशनर्स और मुखवास में अबाउट 80-85 वेरियंट्स हैं जो किसी के पास नहीं, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो कोटेड हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स में बच्चे पसंद नहीं करते जी, रमज़ान में हमारे पास कोटेड डेट्स है, ठीक है, फिर कुछ महाराजा पान करके हमने लॉन्च किया है, जिसको पान ज़्यादा पसंद नहीं आता है उनको, लड्डू के जैसा, मतलब पान का पूरा फ्लेवर है, हेल्थ बेनिफिट्स पूरे हैं, ड्राई फ्रूट्स है वो है, प्लस फालूदे हैं, जो बॉम्बे का जो फालूदा है, यहाँ पे फालूदा इज़ वेरी वियर्ड, बट जो बॉम्बे का जो एक्चुअल फालूदा बनता है हमने वो लाया, उसमें भी केसर है हमारे पास, मैंगो है, रोज़ है, लीची है, अबाउट 8-10 वेरियंट्स ऑफ फालूदा दैट वी हैव। थैंक यू।